शासन की महत्वाकांक्षी गौठान योजना एवं गोधन न्याय योजना का शहरी गौठान में दिखी भारी अवस्था। आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचे जनप्रतिनिधि ने संचालक समिति पर अपनी मनमानी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लाई गई शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान योजना एवं गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। कई अन्य राज्यों में भी इसी योजना से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने राज्यों में योजना लागू करने की पहल की जा रही है, लेकिन दुर्ग में शहरी गौठान के आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने संचालन प्रणाली और व्याप्त अव्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई। नगर निगम के करोड़ों की जमीन में संचालित गौठान को निगम अधिकारियों ने समिति के भरोसे छोड़ दिया है। विधायक के अचानक पहुंचने पर गौवंश के लिए चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी, साथ ही वहां से गोबर बेचने के लिए ट्रैक्टर लगाया गया मिला। वोरा ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी से चर्चा कर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजना की सही मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण संचालन समिति द्वारा मनमानी की जा रही है। गोवंश के संरक्षण एवं स्वास्थ्य एवं पालन पोषण की पर्याप्त निगरानी की जाए। बदक पालन, गोबर, कंडे, दिए एवं अन्य उत्पादों के विनिमय का कोई भी हिसाब नगर निगम के पास नहीं है, न ही चारे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने कोई मापदंड निर्धारित किया गया है। सैकड़ों गोवंश की सुरक्षा एक संवेदनशील विषय है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए शेड का निर्माण शीघ्र पूरा होना चाहिए। बीमार गौवंश के इलाज एवं रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा पुलगांव में स्थित शासकीय भूमि पर सभी तरह का अधोसंरचना विकास कर गौठान का संचालन महिला समूह को सौंपा गया है। करोड़ों की शासकीय भूमि में लाखों के निर्माण कार्य कराने के बाद निगम द्वारा संचालन समिति को सौंप कर खाना पूर्ति करी जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।